हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम आईआईटी जेईई 2005 का पेपर पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, पहले जो क्वेश्चन पूछे जाते थे उनमें हमारे पास ऑप्शंस नहीं आते थे, अब जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें ऑप्शंस आते हैं। बट क्वेश्चन वही होते हैं जो पहले पूछे जाते थे, अब भी वही उसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट जो चेंज है वो सिर्फ ऑप्शन का चेंज है। ऑनलाइन क्वेश्चन पहले जो था हमें सब्जेक्टिव आंसर देना पड़ता था, अब ऑब्जेक्टिव आंसर देना पड़ता है क्योंकि ऑनलाइन की वजह से ऑब्जेक्टिव कर दिया इसे। अब फिर ये क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करना है। तो इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए फ्रेंड्स सबसे पहले देखते हैं सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसके लिए हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी है। एक्सेलरेटेड इक्वेशन चाहिए, एक्सेलरेटेड इक्वेशन क्या होगी हमारे पास, जहाँ पे भी डी आता है, यानी सिंपली इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, पहले डी स्क्वायर माइनस वन वाई इक्वल टू एक्स साइन एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स, ये लिख सकते हैं। तो एक्सेलरेटेड इक्वेशन की बात करें तो इसकी एक्सेलरेटेड इक्वेशन हो जाएगी एम स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो, यानी एम बराबर माइनस प्लस वन। तो यहाँ से हमारे पास सी एफ आ गया, सी एफ मैं यहाँ लिख देता हूँ, सी एफ जो लिखेंगे यहाँ से प्लस माइनस वन है, तो सी इक्वल टू सी वन ई टू द पावर एक्स प्लस सी टू ई टू द पावर माइनस एक्स, ये इसका सी एफ आ गया। अब हमें निकालना फ्रेंड्स इसका पर्टिकुलर इंटीग्रेशन यानी पी आई। तो पी आई निकालने के लिए इसको वन अपॉन एफ डी ऑफ क्यू एक्स एन क्यू एक्स, जो कि आर एच एस में हमारे पास ये हो गया। अब आर एच एस में क्या है, वन अपॉन ये हो गया हमारे पास डी स्क्वायर माइनस वन और ये एक्स, अगर इसको देखें साइन एक्स प्लस ई टू दी, ये साइन एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स। अब फिर साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स को लिख सकते हैं अगर ई टू दी पावर आयोटा एक्स को देखें तो ये हो जाएगा कोस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स। अगर हम साइन एक्स की जगह इसका ओनली इमेजिनरी पार्ट ले लें तो हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा। तो हम ले रहे हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ वन अपॉन डी स्क्वायर माइनस वन एक्स ई टू दी पावर आयोटा एक्स, यानी इसका सॉल्यूशन जो इमेजिनरी पार्ट आएगा वो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा प्लस वन अपॉन डी स्क्वायर माइनस वन, अब इसके करस्पॉन्डिंग एक्स ई टू दी पावर एक्स, ये हो गया। अब अगर इसको ध्यान से देखें तो फ्रेंड्स हमारे पास एक फॉर्मूला होता है वन अपॉन एफ डी e टू द पावर ए एक्स डॉट बी, तो इसको लिखते हैं वन अपॉन एफ डी प्लस ए ई टू द पावर ए एक्स आ गया जाता है डॉट बी, जहां पे एफ डी प्लस ए नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो ये हो गया हमारे पास। अब इस फॉर्मूले को यहां पे पुट करते हैं तो ये हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ वन अपॉन, यहां से देखे तो डी प्लस ए, तो डी प्लस ए यहां पे आयोटा डी प्लस आयोटा का स्क्वायर माइनस वन, और ये आ गया हमारे पास ई टू द पावर आयोटा एक्स, यानी ई टू द पावर आयोटा एक्स आ गया डॉट एक्स प्लस वन अपॉन डी स्क्वायर। तो डी की जगह क्या लिखना है, डी प्लस ए एंड डी प्लस वन, यहां पे अगर देखें तो एक्स ए की जगह वन है, स्क्वायर माइनस वन और ई टू द पावर एक्स आगे एक्स, ये हो गया हमारे पास। फ्रेंड्स यहां से इमेजिनरी पार्ट इसका चाहिए तो डी स्क्वायर इसको ओपन कर देते, ई टू द पावर आयोटा एक्स तो है, इसको ओपन कर देते तो वन अपॉन डी स्क्वायर प्लस टू डी आयोटा माइनस टू, क्योंकि यहां से यह आयोटा एक्स होगा तो माइनस वन टू और एक्स प्लस, यहां से अगर देखें तो इसको ओपन करेंगे तो वन अपॉन डी स्क्वायर प्लस टू डी प्लस वन और माइनस वन वो कट जाएगा, ये हो गए हमारे पास x और यहाँ पे e टू द पावर x आ गया ये e टू द पावर x, ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ पे चाहिए हमारे पास इमेजिनरी पार्ट, इसको देखें तो अगर टू को माइनस टू को तो माइनस वन अपॉन टू e टू द पावर आयोटा x है ही, ये हो गया। इसको लिख सकते हैं वन अपॉन या वन अपॉन वन की जगह सॉरी वन अपॉन वन माइनस डी स्क्वायर प्लस टू डी अपॉन
टू ये लिख सकते हैं इसको प्लस, अगर यहां से देखो तो e टू दी पावर x आगे है ही और हमने 2d कॉमन ले लिया, तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 प्लस 2d कॉमन लिया तो d अपॉन 2, यहां से अब d स्क्वायर की टर्म्स से आएगा तो ये तो 1 चला जाएगा, ये हो गया हमारे पास और यहां पे x पीछे है ही। फिर ये आ गया है तो हमारे पास इसको लिख सकते हैं हम e टू दी पावर आयोटा एक्स माइनस 1/2, ये है इसको लिख सकते 1 माइनस डी स्क्वायर प्लस 2d अपॉन 2 का इनवर्स x प्लस e टू दी पावर x अपॉन 2d और ये हो गया 1 प्लस डी बाई 2 का इनवर्स x, ये हो गया। तो हमारे पास जो दो एक्सप्रेशन है 1 माइनस एक्स का इनवर्स को लिख सकते 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस इस तरह से चलता जाता है, 1 प्लस एक्स का इनवर्स वो होता है वो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब इस तरह से चलता जाता है। तो इन दोनों के हेल्प से हमें इसको एक्सपेंड करना है, तो इसको एक्सपेंड करेंगे अब तो इसको एक्सपेंड कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो यहां से हो जाएगा माइनस ई टू दी पावर आयोटा एक्स अपॉन 2 बार है, इसको एक्सपेंड किया तो 1 प्लस क्यों इसकी हेल्प से डी स्क्वायर प्लस 2d, यहां पर 2d आयोटा था 2d आयोटा अपॉन 2। फ्रेंड्स आई वाई टर्म को हमें लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां पे जो पीछे जो है x है, तो एक टाइम में डिफ्रेंशिएशन के बाद सब और जो डिफ्रेंशिएशन होंगे वो 0 होंगे, तो और हमें लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे इसको x और प्लस cf को भी मिटा देता हूं मैं, ये हो जाएगा। और इसके लिए अगर देखें e टू दी पावर x अपॉन 1 अपॉन 2d और इसके लिए देखें तो 1 माइनस डी बाई 2 प्लस ये चलेंगी, बट आगे वाली टर्म को हम लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि पीछे ओनली x है। तो ये हो गया हमारे पास माइनस e टू दी पावर आयोटा x अपॉन 2 और इसका हमने डिफरेंस अंदर किया तो ये हो गया x, यहां तो x हो जाएगा, इससे करेंगे डी स्क्वायर से करेंगे तो 0 हो जाएगा, इससे करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, डी आयोटा से करना है हमें ओनली, तो डी आयोटा से ओनली एक टाइम डिफरेंशिएशन हो जाएगा तो प्लस आयोटा, ये हो गया जो x का डिफरेंशिएशन तो बना जाएगा प्लस e टू दी पावर x अपॉन 1 अपॉन 2d और ये हो गया हमारे पास x माइनस 1 बाई 2 जब इससे डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये हो गया हमारे पास। तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं e टू दी पावर माइनस e टू दी पावर आयोटा x y 2 x प्लस आयोटा और इसका हमें इमेजिनरी पार्ट चाहिए, इमेजिनरी पार्ट चाहिए तो e टू दी पावर आयोटा x को ओपन कर देंगे माइनस, ये हो जाएगा cos x प्लस आयोटा sin x by 2 और x प्लस आयोटा, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट चाहिए हमें इसका, स्टार्टिंग से इमेजिनरी पार्ट चल रहा था और इधर हो गया e टू दी पावर x और अपॉन 2 और इंटीग्रेशन होना है तो ये हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 x, क्योंकि 1 अपॉन d का मतलब इंटीग्रेशन यहाँ पे, तो ये हो गया हमारे पास। अब यहां से अगर हम देखें तो cos माइनस का साइन तो आ गया ही, cos का जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो रियल पार्ट आएगा, रियल पार्ट हमें चाहिए नहीं, इमेजिनरी पार्ट चाहिए, तो cos का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इमेजिनरी पार्ट आएगा, तो ये हो गया cos x by 2 जब इससे मल्टीप्लाई किया, जब इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां तो रियल आएगा यहां पे इमेजिनरी आएगा, तो यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस x sin x by 2, ये इमेजिनरी पार्ट आ गया, रियल पार्ट हमने छोड़ दिया, प्लस e टू दी पावर x by 2 ये हो गया x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 x, तो ये हमारे पास इसका PI आ गया फ्रेंड्स। अब यहां से अगर हम सॉल्यूशन लिखना चाहें y बराबर, तो y बराबर लिख सकते हैं हम, y बराबर हो जाएगा cf प्लस pi, यानी y बराबर c1 e टू दी पावर x प्लस c2 e टू दी पावर माइनस x प्लस ये हमारे पास माइनस 1 बाय 2 बाहर cos x प्लस x sin x और
यहाँ पे अगर यहाँ पे भी 1/2 हम कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/4 e^x है x²-x। अब फ्रेंड्स हमारे पास जब ये आ गया y बराबर, ये सॉल्यूशन आ गया, इसका जनरल सॉल्यूशन है। बट हमारे पास कुछ इनिशियल कंडीशन छोड़ दी हुई है, जैसे जो कंडीशन थी वो थी हमारे पास y एट 0 बराबर 1 था एंड y डैश एट 0 बराबर 1 था। ये दो इनिशियल कंडीशन थी, तो इन दो इनिशियल कंडीशन का यूज करके हमें इसका और सॉल्यूशन निकालना है, यानी जो कंप्लीट सॉल्यूशन है वो इन इनिशियल कंडीशन का यूज करके। जनरल सॉल्यूशन ये है, अगर हमारे पास इनिशियल कंडीशन नहीं दी हुई होती तो ये इसका सॉल्यूशन है। अब हमारे पास y एट 0 पे 1 पुट करते हैं तो हमारे पास यहां से आ जाएगा y एट 0, तो ये हो जाएगा c1 प्लस c2, क्योंकि ये e^0 माइनस 1/2 cos 0 1, ये हमारे पास x sin x 0 हो जाएगा और यहाँ पे भी x है x से, ये टर्म पूरी 0 हो जाएगी। तो ये आ गया हमारे पास, यहां से हो गया c1 प्लस c2 इक्वल टू 1/2, ये एक रिलेशन आ गया हमारे पास। अब y डैश 0, पहले y डैश इसका डेरिवेटिव निकालना होगा, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा c1 e^x माइनस c2 e^-x। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या, तो इसका अब इसका कहेंगे तो माइनस 1/2 बाहर, cos x का हो जाएगा sin x प्लस x को छोड़ के sin का करेंगे तो x cos x, और जब इसे करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास x करेंगे तो sin x, ये हो जाएगा। और यहां से अगर देखें तो यहां से प्लस e^x/4, अब e^x का क्या है, तो हमारे पास e^x ही आ जाएगा, ये हो जाएगा x²-1, और जब इसका करेंगे अंदर वाले टर्म का तो प्लस e^x/4, ये हो जाएगा हमारे पास 2x-1, ये हो गया। अब y डैश हमें क्या चाहिए, y डैश x बराबर 0 पुट करना है इसको, ये तो y डैश x है, y डैश 0 पुट करना है, तो हमारे पास यहां से c1 यहां से माइनस c2, अगर इस टर्म में देखो sin x ये 0, x cos x इसकी वजह से ये 0, sin 0 ये 0, ये पूरी टर्म 0 हो गई। इसको देखें तो हमारे पास ये x²-x है, ये टर्म 0 हो जाएगी क्योंकि इस टर्म की वजह से। अब इसको देखें तो इसमें ये हमारे पास e^0, तो ये 1/4 प्लस 1/4, और इसमें देखें तो ये 0 बट ये नहीं 0, तो ये -1, ये हो गया। तो यहां से आ गया हमारे पास c1-c2 = -1/4, इधर जाएगा तो 4 1/4 हो जाएगा, तो c1-c2 बराबर, और यानी इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दें, इसको इक्वेशन नंबर 2। अब अगर दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर दें, फ्रेंड्स दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें तो हमारे पास c1 और c2 ये हो जाएगा 2 c1 = c1, c2 से c2 कट जाएगा इक्वल टू 1/2 को लिख सकते हैं हम 2/4, इसको लिख सकते हैं हम 2/4, दोनों को ऐड किया तो 3/4, तो यहां से आ गया हमारे पास c1 = 3/8, तो c1 की वैल्यू 3/8। अब c1 की वैल्यू जो 3/8 हो चुकी है, तो यहां से अगर हम देखें c1 की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दें, या इक्वेशन में पुट ना करके हम इसमें से इसको माइनस कर दें, तो ये माइनस ये प्लस, और तब हम इसको माइनस कर रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारा c1 से c1 कट जाएगा और 2c2 = 1/4 - ये माइनस हो जाएगा -1/4 2/4 में से 1/4 गया, तो ये हो गया c2 = 1/4, तो ये आ गया c1 = 3/8 और c2 = 1/4। तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन जो लिख सकते हैं, यहां से लिख सकते हैं c1 की जगह 3/4 और c2 की जगह 1/4, तो बस ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जब पहले पूछा जाता था तो पहले हमें सॉल्यूशन पूरा करवाता था, और जो अब पूछा जाता है तो अब इस टाइम पे जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो था हमारे पास स्टार्टिंग में हो सकता था, इस तरह पूछ ले कि c1 और c2 की वैल्यू क्या होगी वो निकाल के दीजिए, और हो सकता है इससे आंसर के कुछ पार्ट दिए हो तब पूछ लेता, हो सकता है पर्टिकुलर इंटीग्रल इसके कुछ पार्ट दिए हो, इसके ऑप्शंस दिए हो कि कौन सा पर्टिकुलर इंटीग्रेशन करेक्ट होगा तो वो पूछ लेता। तो पहले जो था हमारे पास पूरा सॉल्व करना पड़ता था,
अब हमें सिर्फ कुछ पार्ट ही पूछता है, पूरा सॉल्यूशन नहीं करवाता है, तो इस तरह से हम उसको क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।